लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें, और तंदुरुस्त रहने के लिए आपको चलना पड़ेगा कविताज किचन में। और कविताज किचन में अभी हो रहा है शाम का वक्त, और शाम के समय बच्चों ने फरमाइश की कि पिज्जा खाना है, और मैंने सोचा क्यों ना इस बहाने में आपको भी बता दूं पिज्जा बनाने की रेसिपी। और उसके लिए ले लिया है मैंने ये थोड़ा सा ओरिगेनो, और ये थोड़ा सा ले लिया है मैंने चिली फ्लेक्स, और उसके लिए ले लिया है मैंने ये रेड कलर का शिमला मिर्च, ये येलो कलर का शिमला मिर्च, ये ग्रीन कलर का शिमला मिर्च, और ये ले लिया प्याज, ये ले लिया थोड़ा सा पनीर, और ये ले लिया है मैंने मशरूम, और ये ले लिया है मैंने थोड़ा सा टमाटर, और ये ले लिया है मैंने अमूल का चीज़, ये है चीज़, और ये है पिज्ज़ा सॉस, ये ले लिया है मैंने पिज्ज़ा सॉस, और ये ले लिया है मैंने स्वीट कॉर्न, ये थोड़ा सा ले लिया स्वीट कॉर्न। अगर आपके पास इतनी चीज़ें ना हो तो आप सिर्फ शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज से भी बना सकते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज मैं बना रही हूँ आटे से, आटे से बनाऊँगी मैं पिज्ज़ा, क्योंकि आपको पता ही है मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं अपने किचन में मैदा यूज़ नहीं करती हूँ, मैदा स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, इसलिए मैं बनाऊंगी आटे का पिज्ज़ा। और हमारे घर में आटे का ही पिज्ज़ा बनता है, हम मार्केट से बहुत कम मंगाते हैं और लाते हैं। और स्वीट कॉर्न, और ये आपको पता ही है कि जब हम बाज़ार से मंगाते हैं पिज्ज़ा, आप लोग भी मंगाते होंगे, और तब ये खूब सारे पैकेट आ जाते हैं, और मैं इन्हें इकट्ठा करके रख लेती हूँ, और ये जब घर में हम बनाते हैं उसके काम आ जाते हैं, सभी लोगों को मिलते हैं। और मुझे लगता है कि सभी लोग जब बाहर खाने जाते होंगे तो ले लीजिए ये सब पैकेट उठा के घर ले आती होगी, और मैं भी लाती हूँ, इसलिए ये अभी मेरे सब यूज़ हो जाएंगे। आटा मैंने गूंथ कर रख लिया है, इस तरीके का मैंने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। थोड़ा सा लेना है आटा, उसमें चुटकी भर मिला देना है नमक, चुटकी भर मिला देना है पिसी हुई चीनी, और थोड़ा सा ऑयल डाल के आटे को मसल ले, और उसके बाद आटा गूंथ ले। आटा गूंथने के बाद 15 मिनट उसे ढककर रख दे, और उसके बाद पिज्ज़ा बनाना हम करेंगे स्टार्ट। अब बताऊंगी मैं आपको कि घर में आटे से किस तरीके से हम पिज्ज़ा बना सकते हैं। चलो दोस्तों, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से आटे का पिज्ज़ा बनाऊंगी। ये ले लिया है मैंने आटे की लोई, और आटे की लोई को इस तरीके से हम पुश करेंगे, और इसको धीरे धीरे बेल लेंगे, और थोड़ा इधर आटा इस तरीके से डाल लेंगे, और इस तरीके से बेल लेंगे। देखिए इस तरीके से हो चुका है हमारा पिज्जा बेस तैयार। अब इसको हम चढ़ा देंगे तवे पर। तवा मैंने रख लिया था गैस में, और गैस कर ली थी ऑन, तवा हो चुका है मेरा हल्का सा गरम, और इस पिज्जा बेस को हम इस तरीके से उठा करके, और ये रख दिया हमने पिज्जा बेस को तवे पे। देखिए इस तरीके से तवे पर इसको अब हम पहले एक साइड से सेकेंगे, फिर दूसरी साइड से सेकेंगे। इस तरीके से हमारा अभी सेक रहा है पिज्जा का बेस, और हम इसको फूलने नहीं देंगे, उसके लिए हम इस पर इस तरीके से कांटे से इस तरीके से छेद कर देंगे, जिससे कि ये फूले नहीं। देखिए इस तरीके से छेद करने के बाद क्या होगा कि हमारा पिज्जा फूलेगा नहीं, और हमारा इस साइड अच्छे से सेक गया है, और अब हम इसको दूसरी साइड पलट देंगे, इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से हम इसको पलट देंगे। इस तरीके से हम पिज्जा बेस पे लगाएंगे सॉस, इस तरीके से सॉस को लगा लेंगे हम। ये देखिए गैस को कर देंगे हम कम, और इस तरीके से पूरे पिज्जा बेस पे लग जाएगा हमारा सॉस। ये लगा चुकी हूँ मैं सॉस, और इसके बाद लेंगे हम चीज, और इस तरीके से हम चीज को पिज्जा के ऊपर इस तरीके से
डाल लेंगे। इसे डाल दिया है हमने और अब डालेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से हम रेड शिमला मिर्च को इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, इन सबको हम इस तरीके से डेकोरेट करके पिज्जा के ऊपर रख देंगे। और अब लेंगे हम थोड़ा सा टमाटर, टमाटर को भी हम इस तरीके से पिज्जे में डेकोरेट करके रख देंगे। ये रख लिया है मैंने टमाटर और ये रख लेंगे थोड़ा हरी शिमला मिर्च। ये देखिए इस तरीके से रख लिया है मैंने ग्रीन कलर की शिमला मिर्च। अब रख देंगे ये थोड़ा सा प्याज, ये देखिए इस तरीके से प्याज को भी लगा देंगे, इस तरीके से लगा देंगे थोड़ा सा मशरूम। और अब बारी आती है पनीर की, इस तरीके से हम पनीर को भी पिज्जा में इस तरीके से पिज्जा के ऊपर लगा लेंगे। ये लग चुका है पनीर और अब लगाएंगे स्वीट कॉर्न, इस तरीके से स्वीट कॉर्न भी हम पिज्जा के ऊपर डेकोरेट करके डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से डाल दिया है मैंने स्वीट कॉर्न। अब आती है बारी ओरिगेनो डालेंगे, ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा ऊपर से ओरिगेनो, ये देखिए इस तरीके से डाल दिया है ओरिगेनो। और अब डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, ये थोड़ा सा डाल दिया है चिली फ्लेक्स, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। और अब फिर हम इस तरीके से चीज को पिज्जा के ऊपर और अच्छे ढंग से इसका बेस बना लेंगे। चीज आप जितना ज़्यादा डालोगे उतना टेस्ट आएगा, इसलिए मैं इसके ऊपर और थोड़ा सा चीज लगा लेती हूँ। इस तरीके से डाल दिया है मैंने चीज और अब इसको 15 मिनट के लिए हम इस तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर में ये भाप द्वारा पक जाएगा और 15 मिनट बाद दिखाती हूँ मैं आपको जब पककर हो जाएगा रेडी। देखिए अब चलते हैं पिज्जा की ओर और देखते हैं 15 मिनट तो हो चुके हैं हमारा पिज्जा तैयार हुआ या नहीं। देखिए इस तरीके से हमारा पिज्जा हो चुका है तैयार और इसका बेस भी पककर हो चुका है तैयार। ये देखिए अब हम गैस को कर देंगे बंद। इस तरीके से पिज्जा हो चुका है हमारा तैयार। अब इस तरीके से हम पिज्जा की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम देखिए इस तरीके से मेरा पिज्जा हो चुका है तैयार। अभी गरम गरम है, आप इस तरीके से देख सकते हैं पिज्जा कर चुकी हूँ मैं तैयार। अब पिज्जा बच्चों के लिए ले जाएंगे खाने के लिए और वही बताएंगे आपको कि पिज्जा कैसा बना है। ये पिज्जा बनकर हो चुका है तैयार। देखिए इस तरीके का पिज्जा बना है, ये होममेड पिज्जा है। आसानी से आप अपने बच्चों को घर में पिज्जा बनाकर खिला सकते हैं। मैदा की चीज ना खिलाएं, मैदा पेट के लिए हानिकारक है। आटे का पिज्जा बनाइए और खिलाइए और ले चलते हैं बच्चों के रूम में और बच्चों से पूछते हैं कि पिज्जा का टेस्ट कैसा है। चलो चलते हैं बच्चों के रूम में। देखिए ले आई हूँ मैं बच्चों के रूम में पिज्जा और बच्चे बैठ चुके हैं। इसकी फरमाइश पे बना है पिज्जा, इसे पिज्जा बहुत पसंद है। ये हर तीसरे दिन मुझे कहता है कि पिज्जा बनाओ पिज्जा बनाओ। मैं रोज मार्केट से कैसे इसे पिज्जा ले आऊँ इतना महंगा, इसलिए मैं डेली इसको ऐसा पिज्जा बना के खिलाती हूँ। ये बड़ा खुश रहता है। कैसा लग रहा है आपको पिज्जा? बच्चों को पहले पिज्जा देते हैं। चलो उठाओ सब अपने लिए एक एक पीस। और इस दाणी की फरमाइश पे बनाए, ये हमारा काना है, दो हाथों से पकड़ो अपना पिज्जा और इसकी फरमाइश पे पिज्जा बना हुआ है। देखिए सब बच्चे बैठ के खा रहे हैं पिज्जा। और ये हमारे लड्डू गोपाल की फरमाइश पे बना है पिज्जा और लड्डू गोपाल बताएगा कि पिज्जा कैसा हो रहा है। सोमू बताओ बेटा, अच्छा हो रहा? अच्छा हो रहा। और बोई को क्या करना? हाँ यहाँ देख के बताओ, बोई को क्या करना? काम करे, यहाँ करे। और ओके, ये देखिए सब खा रहे हैं, सब पिज्जा का मजा ले रहे हैं। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि इनको
पिज्जा का टेस्ट कैसा लगा, अब ये सब बताएंगे। बताओ भाई सब लोग एक साथ। बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और मेरी अगर आपको पिज्जा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने घर में बनाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।